आज हमारा टॉपिक है वो है आपका इनोर सेंट, कि इनोर सेंट क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनोर सेंट होता क्या है। इनोर सेंट का मतलब होता है कि यह एक आपका स्टैंडर्ड सेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं आपके कॉन्क्रीट में प्रेजेंट अदर इन्ग्रीडियंट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए। अदर इन्ग्रीडियंट्स मतलब जैसे कि सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, पोजोलाना हो गया, या अगर आप कोई मिनरल एडमिक्सचर को यूज़ कर रहे हैं आपके कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, तो इनकी एनालिसिस के लिए हम इस स्टैंडर्ड सैंड को यूज़ करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड सैंड है इनोर सैंड, ये पहले हम आपका यूनाइटेड किंगडम से एक्सपोर्ट करते थे और उसे एज अ टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते थे। लेकिन अब की डेट में आपका जो मद्रास है वहाँ पे एक जगह है इनोर करके, वहाँ पे भी ये जो सैंड है वो अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड सैंड, इसीलिए इसका नाम स्टैंडर्ड सैंड का नाम पड़ गया है आपका इनोर सैंड। ये जो इनोर सैंड होता है इसको 25 केजी के बैग में हम क्या करते हैं, पैक करते हैं, और ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये इसमें जो आपके सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो अनक्रश्ड होते हैं और राउंडेड शेप के होते हैं। अनक्रश्ड का मतलब ये होता है कि एज इट इज़ ये राउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये क्रश नहीं होते, अनक्रश्ड फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट, ये आप इमेज में देखोगे ये जो आपको दिख रहे हैं शेप्स, इन्हें ही आप क्या कहते हो, इनोर सैंड कहते हो। तो इसके कुछ पार्टिकल्स आपके फ्लैकी होते हैं, कुछ आपके एंगुलर होते हैं, तो बहुत ही कम परसेंटेज में आपको फ्लैकी और एंगुलर शेप के मिलेंगे, जनरली ये राउंडेड शेप में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड सैंड होता है उसमें क्वार्ट्ज मटेरियल का प्रॉपर्टी होना चाहिए या उस प्रकार का मटेरियल इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसका जो कलर होता है वो आपका लाइट ग्रे या फिर वाइटिश कलर में होना चाहिए, विटिश कलर में। नेक्स्ट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम सिल्ट, सिल्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए आपके सैंड के साथ। आगे बोलता है द सैंड ग्रेन शुड बी एंगुलर बट अ स्मॉल परसेंट ऑफ फ्लैकी और राउंडेड पार्टिकल इज़ परमिसेबल। ये बोलता है कि आपका जो जनरली सैंड है वो एंगुलर शेप का होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर थोड़े अमाउंट में आपका फ्लैकी या राउंडेड शेप के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो वो भी क्या होते हैं, परमिसेबल होते हैं। तो ये होता है आपका इनोर सैंड। अब इसका आप पार्टिकल साइज़ देखोगे कि इसका जो पार्टिकल साइज़ रहता है स्टैंडर्ड सैंड का, तो इनके पार्टिकल के साइज़ आपके 2 mm से लेके 90 micron तक वेरी करते हैं। तो बोल सकते हो कि 2 mm से 1 mm तक आपका 33% मात्रा में प्रेजेंट होता है टोटल 100% पे, फिर 1 mm से 500 micron तक भी 33.33% में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका 500 micron टू 90 micron, ये भी आपका 33% में आपका प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल 100% में इस साइज़ रेंजेस में आपके पार्टिकल्स जो हैं उस स्टैंडर्ड सैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका होता है क्या, इनोर सैंड। ये यहाँ पे इसका कलर फिजिकल प्रॉपर्टी को बताया है कि इनोर सैंड का जो कलर होता है वो ग्रेइश वाइट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.64, वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होता है इसका 0.80%। अगर आप सैंड को 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखे हो तो ये 0.80% ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो शेप होता है इसका वो एंगुलर शेप का होता है, सब एंगुलर शेप का, मतलब इस तरीके से, ऐसा, मतलब इसका जो कहीं ना कहीं कॉर्नर जो है वो हल्का सा एंगुलर शेप में आपका प्रेजेंट होगा। तो ये होता है आपका क्या, इनोर सैंड। थैंक यू।